कि हमारे मामा का मोबाइल लड़के के था, वो लगे पेड़ के दुबका में उन्हें रख दिया था, तो वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। को निकलेंगे 9 बजे, हम करके आए मंदिर से 9 बजे, हमारे 9:30 बजे तक, 9:30 बजे बाद हम संग घर बुला लाए ना बच्चे दोनों को, उसके बाद में फिर ये दोबारा चलेंगे अपने आप, हमसे कहेंगे हम अब आ रहे, हम खेत में काम करते हैं। यूपी के फरुखाबाद में 2 सहेलियों की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोनों लड़कियों के पिता कैमरे के सामने आए और बड़े खुलासे कर दिए। पिता ने बताया कि सहेलियां कब और कैसे घर से बाहर रात में गई थी और शव के पास से क्या मिला, इस बात का भी खुलासा किया गया। दरअसल दो लड़कियों के शव संदिग्ध हालत में एक ही दुपट्टे से बंधे मिले। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवतीपुर गांव की इस घटना ने इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया। अब दोनों मृतक लड़कियों के पिता ने बताया, गांव में किसी से कोई रंजिश या किसी? सर, हमारी किसी से कोई भी रंजिश नहीं है। फिर ये हत्या का मतलब कैसे, आप आपको थोड़ा सा ये अनुमान लग रहा है कि जैसे मतलब आई गई है तो किताबी बता रहे थे और उसके मुताबिक गए थे कुछ गलत होने की भी संभावना आपको लग रही है इनके साथ? सर ऐसा कुछ हमारे मतलब उसमें है नहीं, प्रतीत नहीं होता है, और अगर वही कुछ हुआ हो तो ये भी मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच होने के बाद ही पता लगेगा। दोनों लड़कियां क्या साथ? मोबाइल लड़की के पास मतलब दोनों लड़कियों में कोई लड़की हमारे मामा के मोबाइल लड़के के था, वो लगी पेड़ के दुबका में उन्हें रख दिया था, तो वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। अच्छा, दोनों लड़कियां ये क्या सहेली थी क्या आपस में? मतलब बिल्कुल हमारा मकान उनका मकान बराबरी में, और मतलब खाना पीना अपने अपने घर में था, और लेटती साथ बैठती साथ थी, और खाना पीना भी सब साथ मतलब खाती लेकर भी कोई दोस्त थी। को निकलेंगे 9 बजे, हम करके आए मंदिर से 9 बजे, हमारे 9:30 बजे तक, 9:30 बजे बाद हम संग घर बुला लाए ना बच्चे दोनों को, उसके बाद में फिर ये दोबारा चलेंगे अपने आप, हमसे कहेंगे हम अब आ रहे, हम खेत में काम करते हैं, शरीर ढीलो पड़ो, हमको आँख लग गई। फिर हम जब प्रोग्राम खत्म हो 12 बजे, जब 12 बजे हम तलाश करो कहीं बच्चियाँ कहीं दिखी ना, वहाँ फिर पूरे जहाँ जान पहचान थी पड़ोसिन में चारों तरफ ढूंढी, मिली ना लड़की। फाइनली सुबह क्या कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ? जब उसमें खेत में जब बाघ आए, बाघ में सुबह को लाइटिंग करने जाते, उन्होंने देखे, जब जानकारी मिली पता लगा दोनों क्या एक ही फंदे की एक ही दुपट्टा। आप क्या लगता है आपको? हमें ये लग रहा है किसी ने मार के। बताया जा रहा है कि मृतक लड़कियां जन्माष्टमी की झांकी देखने गई थीं, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी, और दोनों लड़कियों के आम के बाग में सुबह शव मिले। वहीं पीड़ित पिता ने बताया कि शव के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। दोनों मृतक लड़कियों के पिता का आरोप है कि लड़कियों की हत्या की गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस की थ्योरी कहती है कि लड़कियों ने खुद ही इस कांड को अंजाम दिया, और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, एक दो दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके, और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ मिले। प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है। फरुखाबाद में तो सहेलियों के एक साथ ही एक ही दुपट्टे से बंधे शव मिले, इसके बाद मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि दोनों लड़कियों की मौत कैसे हुई, मौत के पीछे का कारण क्या है, मौत के पीछे की असली कहानी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।